जिस प्रकार किसी भी अपराध को रोकने के लिए मुस्तैदी जरूरी होती है, दिनों बस्तर में जो है शस्त्रों को लेकर के घूमने का चलन बढ़ता जा रहा है, जिस पर बस्तर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आखिर इसको लेकर के किस प्रकार की जो है मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CSP साहब, और इनसे जानेंगे दो तीन बिंदुओं पर कि किस प्रकार से जो है आपराधिक कृतियों को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस मुस्तैदी से तैनात है और किन प्रकार की जो है योजनाओं पर काम कर रही है। सर, ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अभी जो इतने सारे यहाँ पर अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के भी दिख रहे हैं जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है, कुछ तो आपको दिखाएंगे हम। आप इस वक्त देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो पेन वाले चाकू हैं इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर किस प्रकार से इन सब चीज़ों पे पुलिस की नज़र जाती है, ये जानने का विषय है। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे ये जो डिफरेंट टाइप के चाकू हैं जो पेन के अंदर हैं, जिन्हें कोई आम आदमी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है सर? बेसिकली सबसे पहले तो जो है अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जो है बस्तर पुलिस जो है शुरू से प्रतिबद्ध रही है, और इस संबंध में जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बस्तर ज़िले में भी जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है ऑनलाइन तरीके से जो है जो अलग अलग कंपनी है उनसे जो कुछ फैंसी चाकू जो है मंगाया गया है, और इस संबंध में जो है जो ऑनलाइन कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो और अन्य जो कंपनी है इनसे संपर्क किया जा रहा है और संपर्क किया भी गया, और उनसे ऐसे व्यक्तियों की सूची भी प्राप्त की गई है जिनको जो है इस तरह के जो चाकू जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं, और इस संबंध में जो है हमारी जो साइबर सेल की जो टीम है वो जो नोडल अधिकारी हैं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीतिका साहू उनके नेतृत्व में सतत तौर पर जो है यह काम कर रहे हैं, और जिन भी व्यक्तियों के पास जो है ये सामान डिलीवर किए गए हैं उनको जो है एहतियातन दृष्टिकोण से जो है साइबर सेल में जमा कराया जा रहा है, और आने वाले समय में भी जो अलग अलग जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उनसे संपर्क करके जो है उनको भी पत्राचार किया गया है कि इस तरीके से जो धारदार जो सामान है या जो हथियार हैं वो आम व्यक्तियों को जो है डिलीवर ना करें, और उस संबंध में जो है पूर्व में जो है स्थानीय स्तर पर जो है पुलिस को सूचित करें। सर, इस वक्त जो हथियारों का जखीरा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये कितने दिनों में जब्त किया हुआ है, ये बीते कितने महीनों का स्टॉक है सर? ये बेसिकली ये जो प्रक्रिया है काफ़ी समय से चल रही थी, जिसमें जो है जो 15 अगस्त के पश्चात जो है इनसे अलग अलग जो कंपनी है उनसे यह जानकारी ली गई है, और पिछले करीब जो 3 महीने में जो है जो बटनदार चाकू और जो फैंसी चाकू यह जो है बरामद किया गया है। अच्छा, ये सर एक और सवाल है कि ये जो चाकू जब्त किया गया है कि आदतन बदमाशों से जब्त किया गया है या फिर जो शौकिया तौर पर लेके घूमते हैं उनसे जब्त किया गया है, ज़रा बताएंगे सर? बेसिकली जिन भी व्यक्तियों से इस तरीके से जो चाकू बरामद हुए हैं उनके जो करेक्टर वेरिफिकेशन जो है स्थानीय स्तर पर जो है थानों से किया गया है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में जो है कोई आपराधिक गतिविधियां जो है संलिप्त होना नहीं पाया गया है, और इनकी जो बाकी जो इनके जो मूवमेंट है और इनकी जो गतिविधि है इन पर बस्तर पुलिस शुरू से निगाह रख रही है, और अभी भी जो है आने वाले समय में भी इन पर निगाह रख रही है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है आपराधिक गतिविधि के उद्देश्य से जो है ये जो चाकू हैं वो मंगाया नहीं गया है, इवन फैंसी तरीके से जो है इसको जो है मंगाया गया है, और जो है आने वाले समय में भी जिन व्यक्तियों से जो है यह सामान बरामद हुए हैं उनकी जो चारित्रिक गतिविधि हैं उन पर निगाह रखी जा रही है। तो इसका साफ अर्थ यही है कि किसी प्रकार के आप चाहे दिखाने के लिए लें चाकू या फिर किसी और दूसरे काम के लिए लें, पब्लिक प्लेस पर इनको लेकर के घूमना अवैध माना जाएगा, और अगर इस पर कार्रवाई होगी तो किस प्रकार की कार्रवाई या धाराएं लगाई जाती है सर इसमें? बेसिकली अपराध करने के नियत से या सार्वजनिक जगहों पर जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है इस तरीके से जो धारदार अगर हथियार लेकर जाता है या लोगों को डराता धमकाता है तो इस पर जो है बेसिकली आर्म्स एक्ट की जो धाराएं हैं उन पर कार्यवाही होती है। जनरली जो है इस प्रकार के अपराधों में धारा 25 और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत जो है कार्यवाही की जाती है, लेकिन इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है अभी तक उक्त धाराओं का जो है या उक्त अपराधों का जो है कृत्य करना नहीं पाया गया है। दुर्घटना से एहतियात बरतना ही सही है, इस प्रकार के चाकुओं को लेकर कहीं घूमना किसी भी आपराधिक गतिविधि को जन्म दे सकता है, इसलिए लोगों से ये अपील है कि इस प्रकार के चाकू का इस्तेमाल दिखावे के लिए या फिर अपराध गतिविधि के लिए न लें। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा, और पब्लिक रिपोर्टिंग पर जनहित के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें।